गुजरात में एक तरफ पहले चरण के लिए 89 सीटों पर मतदान किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी अपनी जीत का दावा ठोक रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके नेता ही बागी बनकर विपक्ष का साथ दे रहे हैं। जी हां, बीजेपी की सदस्यता और लोकसभा से इस्तीफा देने वाले नाना पटोले ने गुजरात में जाकर पीएम मोदी की पोल खोलने का ऐलान किया है। गुजरात में 22 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही है। इस बात से बीजेपी पहले से ही बेचैन है, लेकिन अब नाना पटोले बीजेपी की इस बौखलाहट को और बढ़ा रहे हैं। पहले उन्होंने पीएम मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट और बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अब गुजरात जाकर बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरने का ऐलान किया है। नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सवाल सुनना पसंद नहीं, इसलिए मैं उनके गढ़ में जाकर जनता को उनकी हकीकत से रूबरू करवाऊंगा। नाना पटोले के इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने दावा किया है कि अहमदाबाद में 11 दिसंबर को होने वाले राहुल गांधी की रैली में नाना पटोले हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के महाराष्ट्र राज्य प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा कि मैं जब नाना पटोले से मिलकर उन्हें बीजेपी छोड़ने की बधाई देने गया तो उन्होंने कहा कि आपका और हमारा लक्ष्य एक ही है, इसलिए मैं राहुल की रैली में शामिल होने गुजरात जाऊंगा। अगर गुजरात में कांग्रेस का ये दावा सच हो गया और नाना पटोले राहुल की रैली में बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरने पहुंच गए तो नतीजों से पहले ही ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। कहीं ना कहीं इसका हर्जाना बीजेपी को दूसरे चरण में भुगतना पड़ सकता है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी का साथ छोड़ नाना पटोले कांग्रेस का हाथ थामते हैं या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।